हेलो एवरीवन डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम आईएएस पीसीएस। हेलो एवरीवन, हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम आईएएस पीसीएस सीजीएल एसएससी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएं। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, 1913 में, 1915 में, 1917 में। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1913 में। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1913। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उग्रपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट करते हैं। दोस्तों, निम्न में से कौन से उग्रपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। घा इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश। दोस्तों, क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। इसका सही आंसर है दोस्तों मद्रास। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर, 5 सेकंड आपके पास वक्त तो है। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। इसका सही आंसर 4 का घा है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? क्वेश्चन नंबर 4। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। गुरु रामदास, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का वक्त। इसका सही आंसर है दोस्तों गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। दोस्तों, 5 सेकंड का वक्त आपके पास। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। सही आंसर है 5 का।
अंग्रेजी शासन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा। दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 312, दोस्तों टाइप करने में सॉरी, अनुच्छेद सही टाइप नहीं हो पाया है इसके लिए सॉरी। अनुच्छेद 312 संबंधित है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से, राष्ट्रपति से। दोस्तों इसका सही आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं। अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक है, संघ राज, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। दोस्तों 5 सेकंड का आपके पास वक्त। भारत एक है, संघ राज, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। दोस्तों इसका सही आंसर है राज्यों का संघ। भारत एक है, राज्यों का संघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 का खा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 8, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। दोस्तों 5 सेकंडों के पास आपका वक्त। क्वेश्चन नंबर 8 का सर दोस्तों सही आंसर है लोक स्वास्थ्य। 8 का घा इसका सही आंसर है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कार्ल मार्क्स किस देश का था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कार्ल मार्क्स किस देश का था? जर्मनी का, हॉलैंड का, फ्रांस का, ब्रिटेन का। कार्ल मार्क्स किस देश का था? जर्मनी का, हॉलैंड का, फ्रांस का, ब्रिटेन का। हेलो दोस्तों इसका सही आंसर है जर्मनी का। दोस्तों 9 का कार्ल मार्क्स का संबंध जर्मनी देश से था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, सुपरनोवा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सुपरनोवा क्या है? पुष्पितल तारा, गिराहिका, विस्फोटी तारा, ब्लैक होल। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का वक्त। सुपरनोवा क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है विस्फोटी तारा। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। दोस्तों सभी एग्जामों में ये सवाल पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट तो है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है विस्फोटी तारा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन रूपांतरी चट्टान नहीं है? निम्न में कौन रूपांतरी चट्टान नहीं है? स्लेट, सेश, डायोराइट्स, फाइलाइट्स। निम्न में से कौन रूपांतरी चट्टान नहीं है? स्लेट, सिस्टर्स, डायोराइट्स, फाइलाइट्स। दोस्तों इसका सही आंसर है, 5 सेकंड आपके पास वक्त। दोस्तों इसका सही आंसर है डायोराइट्स। निम्नलिखित में से रूपांतरी चट्टान डायोराइट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन वलित पर्वत है? निम्न में से कौन वलित पर्वत है? सतपुरा, नीलगिरी, हिमालय, सह्याद्री। दोस्तों 5 सेकंड के बाद आपके पास वक्त। इसका सही आंसर है हिमालय। दोस्तों सतपुरा मध्य प्रदेश में की पहाड़ी है, पर्वत है। निम्न से कौन वलित पर्वत है? हिमालय एक वलित पर्वत है, जिसे नवीन पर्वत भी कह सकते हैं। तो हिमालय एक वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 12 का गा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है?
किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्डो कहा जाता है? आयरलैंड, कनाडा, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों 5 सेकंड आपके पास वक्त। किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्डो कहा जाता है? आयरलैंड, कनाडा, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 के सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। चलो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। मानुस किस नदी की उपनदी है? मानुस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। मानुस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों 5 सेकेंड अब शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। मानुस किस नदी की उपनदी है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन। धूम कुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? धूम कुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? आराव, उराव, कुडुख, मुंडा, संथाल। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए सब दोस्तों। उराव, कुडुख, मुंडा, संथाल। दोस्तों 5 सेकेंड अब शुरू होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है उराव। दोस्तों 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेकर आए। थैंक यू।